हिस्ट्री की खास बात, ये टेंपल की खास बात ये भी है कि चारों हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो पे। तो गाइस अभी मैं हूँ कोंगमू खाम के गेट पे। तो यहाँ पे है गेट, मेन गेट, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा बोर्ड दिया हुआ है। सो खामती लैंग्वेज से गोल्डन पकौड़ा को कोंगमू खाम भी कहते हैं। सो अभी मैं हूँ यहाँ पे नामसाई पे कोंगमू खाम के बाहर। सो अभी जाऊँगा मैं अंदर, तो आप लोग बने रहेगा एंड तक। एंड अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इधर है अपनी बाइक। वेलकम टू कोंगमू खाम। सो फाइनली एंटर कर चुके हैं हम लोग कोंगमू खाम के अंदर। यहाँ पे पार्किंग के भी पैसे लगते हैं। सो काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है। सो बाइक को करते हैं यहाँ पे पार्क। एंड इस तरफ है छोटे छोटे दुकान, स्टॉल्स वगैरह। तो भैया ये पार्किंग का यहाँ पे क्या क्या टिकट वगैरह कैसे लगता है बता दीजिएगा। बाइक, हाँ बाइक वगैरह सब कुछ बता दीजिएगा। हाँ, और टिकट का 20 पर पर्सन। अच्छा, और गाड़ी वगैरह का भी सेम, गाड़ी का 20 है। बाइक का भी 20 है। ओके। तो ऐसा टिकट लेना होता है यहाँ पे पर पर्सन 20 रुपीज़। एंड व्हीकल्स का जो भी है 30 रुपीज़। कैश तो नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन होगा। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं आसाम से, ये रुपाई जी। ओके, रुपाई से, रुपाई रुपाई का जितना आदमी है सबको वेलकम टू गोल्डन पगोडा नामसाई। हम लोग का मंदिर जरूर आइए, दर्शन कीजिए, मन शांत हो जाएगा। तो गाइस अंदर आ चुका हूँ एंड वहाँ के भैया बहुत ही अच्छे थे। मेरे पास कैश पैसे नहीं थे, सो भैया ने पैसे नहीं लिया। मुझे कहा कि आप जाइए वीडियो बनाइए, एंड आप सभी को इनवाइट किया है, आप सभी आइएगा। जितने भी हमारे असम के व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे अरुणाचल के व्यूवर्स हैं, सभी लोग आइएगा इस ब्यूटी को देखने के लिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा स्टेचू बनाया हुआ है। सामने से दिखाता हूँ कैसा है, बहुत ही मस्त है। यहाँ पे बहुत ही शांति है एंड बहुत सुंदर सा जगह है। आप देख सकते हो बहुत पीसफुल जगह है। एंड नामसाई का जो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है, एंड अरुणाचल प्रदेश का भी नामसाई गोल्डन पकौड़ा, ये एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सो फाइनली अंदर एंटर कर चुका हूँ। ये टेम्पल, मेन टेम्पल इधर है, जो कि काफ़ी सुंदर सा है, बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखे जाते हैं। एंड आसपास फूल वगैरह भी काफ़ी सुंदर प्लांटेशन किया हुआ है, देख सकते हैं ये सब। एंड गाइस इस मॉनेस्ट्री की खास बात, ये टेंपल की खास बात ये भी है कि चारों तरफ से ये सेम दिखते हैं। यहाँ से भी सेम, वहाँ से भी सेम, एंड चारों तरफ से बिल्कुल सेम ही दिखते हैं। एंड वहाँ पे एक छोटा सा मॉनेस्ट्री है, एंड इधर भी एक मॉनेस्ट्री है, एंड इधर ऐसा कुछ सीन है। सो अभी आपको सामने से दिखाते हैं सब कुछ, उसके बाद मैं इसके अंदर जाऊँगा। इस साइड में एक अलग सा
चीज़ है ड्रैगन, तो इसको दिखाता हूँ अभी। ये देख सकते हैं गैस, यहाँ पे आपको एक से एक चीज़ देखने को मिलेगा। सब कुछ तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप आके देखना, सब कुछ देख लोगे वीडियो में तो आपको आने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। एंड इस साइड पीछे भी बहुत कुछ है देखने के लिए, होम स्टे टाइप के यहाँ पे होम स्टे वगैरह है, स्टे भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। एंड गैस, ये जो गोल्डन टेम्पल जो है 2010 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, एंड 10 के बाद से ये कुछ ऐसा ही है। ये सब प्लांटेशन वगैरह, और अंदर आपको और भी अच्छे अच्छे प्लांटेशन देखने को मिलेंगे, लाइक बेर वगैरह। यहाँ के वाइब्स कुछ अलग ही है, पेड़ वगैरह भी सब कुछ बहुत ही मस्त है, सब कुछ बहुत ही पीसफुल है। एंड गाइस, ये वाला जो छोटा सा मोनेस्ट्री है ये फ़िलहाल बनाया गया है, जो इसका अभी तक इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ का जो स्टेचू है उसको बांध के रखा हुआ है, एंड वो जो है वो भी नया बना है। एंड ये देख सकते हैं, ये यहाँ का काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे देख सकते हैं कोमू खाम का गोल्डन पॉड का, जो भी जिसने भी डोनेट किया है एंड जिसने भी, एंड यहाँ पे एक स्टेचू है उसको भी बाहर से लाइक थाईलैंड सैन फ्रांसिस्को से डोनेटेड किया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब वाला जो मोनेस्ट्री है ये नया बनाया गया है, ये काफ़ी सुंदर सा है ये भी। सो टेम्पल के अंदर कुछ ऐसा है, एक जो छोटा सा आपने देखा जो स्टेचू वो कहीं बाहर से डोनेट किया गया है, जहाँ पे वो मैंने बोर्ड में दिखाया था वहाँ पे लिखा हुआ था। एंड यहाँ से नीचे का व्यू देख सकते हैं कुछ ऐसा। सो गाइस, जितना भी था एक्सप्लोर कर लिया, एंड काफ़ी सुंदर है, काफ़ी पीसफुल है। आप लोग अगर विजिट नहीं किया है आप लोगों ने, सो एक बार ज़रूर विजिट करना इस गोल्डन टेम्पल को। बहुत मस्त है। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से, लगभग टाइम हो चुका है 2:30, तो अभी तेजी भी जाना है। एंड गाइस, गेट के ठीक सामने यहाँ पे एक शॉप है, तो अंदर कैसे है दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे ट्रेडिशनल बैग्स वगैरह एंड कपड़े वगैरह भी है, ऐसा कुछ है अंदर। तो एंड इधर है स्टॉल्स वगैरह छोटे छोटे। काफ़ी प्यास लग गया था सो ये पानी लिया मैंने वहाँ से स्टॉल से। थैंक यू विजिट अगेन। एंड अगर आप लोगों ने भी विजिट नहीं किया है तो ज़रूर आइएगा कोमू खाम पे। ये रास्ता जा रहा है तेजू एंड ये जा रहा है असम की ओर। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा आपको बोर्ड देखने को मिलेगा कोमू खाम का, सो आप लोग आइएगा, ऐसा कुछ गेट है एंड विजिट कीजिएगा। सो गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पर एक ढाबा भी है, खाना खाना चाहते हो यहाँ पर ढाबा भी मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।